the six pack, he got the family pack. They gonna put all their money for the baby. थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं, एक घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा, वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपा कली, एक घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे, दो दो बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था, आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर? रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओह, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताओ। पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ? पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को? घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना, खाना गपा गप कैसे खाते हैं मैं बता रही हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी, वो फैट और मैं फिट, वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंद बुद्धि बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं, उसने मना किया, उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपा कली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की। पद्मा भाभी, ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी है। क्या? पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझे तू? ये ऊटी खूटी गाने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? वहाँ साले तू। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गन्ना कहा, मैं तेरे गन्ने जैसी लगती हूँ। मार पूरे ताकत से मार, नकल को क्या क्या करती टीवी, और वो मल्टीप्लाई को यहाँ पूजा करती थी और वो कैश करता था। मार अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तू कर रहा कि मैं तेरे से मारूं। आग में तेल क्यों डाल रही हो मोटी? तू मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? आप क्या फायदा? ओह शिट! भाई वो बैगन की औलाद बार बार मेरा फोन काट रहा है। मैंने लोन दे रखा है इसलिए फोन चालू रखा है, वरना कभी का नंबर चेंज कर देता है। लगता है इस कॉलर का क्लाइमैक्स चेंज करना पड़ेगा। सर गुड मॉर्निंग। सर क्या हुआ बे? मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए सर। अरे तू तो मेरी गैंग का मेंबर बन गया है और इन कपड़ों में शरीफ भी लग रहा है, बोल क्या चाहिए? कोई वाहियात आदमी मुझे रोज फोन पर तंग करता है, आप उसकी मरम्मत कर दो ना सर। उसको यहाँ बुला, वार्निंग देते हैं। कई बार दी, उसके ऊपर जूं तक नहीं रेंगती, बड़ा बदतमीज और ढीठ आदमी है आपकी तरह। इसका करना क्या है? बताऊं, उसकी हालत पतली कर दो,
इतना बड़ा ब्रश लेके उसके मुंह के अंदर घुसेड़ 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 के ऊपर से फिनाइल डाल के फ्लश कर दो। उसका पूरा सिस्टम क्लीन होना चाहिए। सुबह दोपहर शाम टॉयलेट के चक्कर काट काट के ऊपर चला गया। फोन लगा उधर से बात कर। भाई उस खजुए बैगन सिप्पी का फोन आ रहा है। मुझे दे, मैं बात करता हूँ साले से। हेलो, ए सिप्पी करता रहा है मेरे नाम का जाप, पुण्य लगेगा। हे, इस वक्त कहाँ है तू बे? मैंने यही सवाल पूछने के लिए तुझे फोन किया है। तू कहाँ है बे? वैसे तो आज तुझे धोबी घाट लेके धोने का मूड है, लेकिन तेरे जैसे फालतू के लिए मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। तू एक बार सामने आ जा, तुझे काट के खा जाऊंगा मैं। ए बाप जी, चक्कू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चक्कू पर, कटना तो खरबूजे को ही होता है। अरे तू सामने आ, तेरा पत्ता काट दूंगा मैं। पत्ते गिरे तो कुत्ते भी खेलते है रे। क्या रे, हो गया ना कंफ्यूज? मैं रोज अपनी गली के कुत्तों के साथ गेम खेलता हूँ, बॉल फेंकने का। कहाँ फेंकू बॉल? इंदिरा पार्क। इंदिरा पार्क? ओए, मैं भी अपने कुत्तों को यही घुमाने लाता हूँ, ज्वाइन करेगा? ए, मैं अभी इंदिरा पार्क में हूँ, तू किधर है? मैं भी उसी पार्क में हूँ, तू कहाँ है? लुका छुपी खेल रहा है क्या? ए, पुतले के पीछे खड़ा हूँ मैं। मैं उसी पुतले के सामने खड़ा हूँ रे। अरे तो सामने आ। ए, बाहुबली को फोन पर इन्विटेशन देकर अपनी मौत को ललकार रहा है। तेरी बदतमीजियों का गिन गिन के बदला लूंगा। असली मर्द है तो बंद करिए चेस। रुक, मैं अभी आता हूँ। फेस टू फेस। भागना नहीं उधर से। हिम्मत है? सिप्पी। बाबजी। तेरी तो ते कमीने साले कधे की औलाद, बिना ढक्कन के बदबूदार कटर। काले कौवे की टूटी हुई चोंच तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। उंगली की ना तो उंगली तोड़ के नाक में घुसेड़ दूंगा। तेरे जैसे सड़े हुए बैंगन का भरता खुली वाला कुत्ता भी नहीं खाएगा। छिपकली की टूटी हुई पूंछ, बाथरूम के लीकेज फ्लश। ये साला टैक्सी वाला इस सिप्पी निकला। इस सिप्पी ने तो मेरी टीआरपी ही गिरा दी। गिरा दो इसको भी। बता वो कौन था और इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? सर, वो कहाँ मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन उसके पप्पा का पता मुझे पता है। तो ले चल हमको वहाँ। वाणी की शादी? क्या सगाई परसों है? फोटो व्हाट्सएप करो लड़के की, मैं देखता हूँ। घर वाली के पास जा रहा हूँ, बाहर वाली। ये आपका नहीं है? ये तो है। रुको, ये तो ले जाओ। आसमान कभी झुकता नहीं, बाबूराव कभी रुकता नहीं। अरे बाबा, लेकिन ये तो लेके जाओगे? वाणी की शादी पता है? ओ, मैं जूते पहनना भूल गया, अब इसे क्या बताऊं, कौन सा बहाना बनाऊं? जूते का है? जूते गोबर को बहुत पसंद आया, उसने अपना लिए। उस दिन भी जॉगिंग करने शर्ट में गया, टी शर्ट में आया। एक चोर के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल के।